अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ प्रवेश नीला। आफ्टर अबाउट 15 डेज आप लोगों से फिर आज एक नॉर्मल माहौल में बात हो रही है। आपके सामने ट्रैवल पे थे, पाकिस्तान का ट्रैवल लाहौर पर। हिम्मत है आप लोगों की दोस्तों, इसलिए नहीं, वाकई हिम्मत है आप लोगों की। यूज्ड टू नहीं हूँ शायद, इसलिए कुछ ज़्यादा महसूस होता है ट्रैफिक और ये वो सारे मामला, बट वंडरफुल ऑलवेज टू सी पाकिस्तान। आज हम बात करेंगे इस्लामाबाद में बैठे हुए उन लोगों की, उन माओं की, उन बहनों की जो अपने प्यारों को ढूंढने के लिए बलूचिस्तान से इस्लामाबाद आई हैं। बड़े दुख और तकलीफ वाले मनाजर पिछले गुज़श्ता कुछ दिनों से इस्लामाबाद के उस जगह पर देखे जा रहे हैं जहां पर हमारे कानून साज असम्बली है, जहां पर इस मुल्क की जो आवाम है उसकी तकदीर के फैसले होते हैं। इस मुल्क के बेहिस मीडिया को वो औरतें, वो बहनें और वो माएँ नज़र नहीं आई पिछले कुछ दिनों से, ना इन फराटे भरती कारों में बैठे वजीरों को, ना मशीरों को, और ना इस मुल्क के वजीर आजम को, जो समझते हैं कि वो रियासत मदीना के खुद साख्ता अमीरुल मोमिनीन है। किसी को वो औरतें नज़र नहीं आई। उन औरतों में माएँ भी हैं, बहनें भी हैं और बच्चे भी शामिल हैं। कोई ये कह रही है कि उसके वालिद साहब पिछले 12 साल से मिसिंग हैं, उनको नहीं पता उनके वालिद साहब जिंदा हैं या नहीं हैं, और कोई कुछ कह जा रहे हैं, कोई कुछ कह रहा जाए। लेकिन इसके साथ वो जो माएँ हैं वो वहाँ से ना कोई तरक्याती फंड लेने आए हैं, ना कोई नौकरियाँ ढूंढने आए हैं, वो अपने प्यारों को ढूंढने आए हैं लेकिन नहीं नज़र आ रहे। तो इकतदार में बैठे हुए उन शहजादों को जो इस वक्त इमरान खान के दाएं बाएं हैं, या वो कलमे पढ़ता हुआ वजीर जो हर बात नहमद शुरू करता है, उस वजीर को जो कहता था कि रियासत में अगर कोई मर जाए तो वो उसका कातिल अगर ना मिले, या उसका बस ना मिले तो वो जिम्मेदार उस मुल्क का, रियासत का सरबराह होता है। इमरान खान साहब फरमाया करते थे कि सबसे पहला काम जो मैं ये करूंगा, लेकिन लेकिन नजर आए तो किसको नजर आए? कौम की बेटी मरियम नवाज को। मरियम नवाज, चाहे वो इस्लामाबाद हो, चाहे वो लाहौर के स्टूडेंट बच्चे हो बलूचिस्तान जो अपने हकूक के लिए आए हों, चाहे वो आज वो बहनें और माएँ हों जो अपने प्यारों को ढूंढने के लिए शहरे इक्तदार में आकर बैठी हुई हैं, वो हों, मरियम नवाज हर जगह पर पहुंच जाती है। तकलीफ दुख की इस घड़ी में मरियम नवाज का उनके सर पर हाथ फेरना, और उन औरतों को, मरियम नवाज को अपना मसीहा कहना, और ये कहना कि मरियम की शक्ल में उनको नूर नजर आता है, होप नजर आती है, उम्मीद नजर आती है। उनको लगता है कि उनके घर दोबारा बसेंगे तो मरियम नवाज बसाएगी। वो बलोचिस्तान का जलसा हो या बलोचिस्तान में मरियम नवाज वैसे गई हो, हमेशा उनके सर पर प्यार से, मोहब्बत से, शफकत से सर रखा इन बहनों, इन माओं के सरों पर, और अपने सीने से लगाया। जब सख्त तनकीद हो रही थी कोरोना के दिनों में भी, तब भी उनके आंसू पोंछे। कुछ अल्फाज हैं दिल काटने वाले, दिल चीरने वाले, लेकिन आपको दिखाना मुनासिब मेरे ख्याल नहीं होगा अगर मैं वो अल्फाज आपको ना दिखाऊं। आप वो अल्फाज सुन लें, फिर हम उस पर बात करते हैं कि वो बहनें और माएँ क्या कह रही हैं। अब हमारी आंखों का नूर मरियम की वजह से आए। हम जब आबाद हूँ तो हमें मरियम आबाद करें। बलूचिस्तान में मरियम का नारा गूंजे। हम चाहते हैं कि आप हमारी प्यारों की बात याद करें। दोबारा सुने रखते हैं कि वो औलाद हमारे साथ हो। अब हमारे घरों में मरियम की वजह से चरागाह हो। अब हमारे घर मरियम की वजह से आबाद हो। अब हमारे घरों में रोशनी मरियम की वजह से आई। अब हमारी आंखों का नूर मरियम की वजह से आए। हम जब आबाद हूँ तो हमें मरियम आबाद करें। बलूचिस्तान में मरियम का नारा गूंजे। हम चाहते हैं कि आप हमारी प्यारों की बात याद करें। मरियम, उन बेसहारा इस्लामाबाद की इस सख्त सर्दी में बैठी हुई औरतों की जो आवाज़ बने, वो कौन बने? मरियम नवाज। बलूचिस्तान को आबाद कौन करे? नवाज शरीफ की बहादुर बेटी मरियम नवाज। उनको उम्मीद नजर आती है तो किस में? मरियम नवाज में। नूर 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 नजर आता है मरियम नवाज की शक्ल में उनको, और उनको लगता यह है कि उनको अपने घरों में कौन आबाद करेगी? मरियम नवाज। दोस्तों, मरियम नवाज का नाम ये बलूचिस्तान वाले किस लिए लेते हैं? क्योंकि मरियम नवाज उनके हर दुख दर्द में उनके पास पहुंच जाती हैं, चाहे वो इस्लामाबाद हो, चाहे वो क्वेटा हो, चाहे वो लाहौर हो। आज इस बात पे हम
बेहिस लोगों पर हम क्या बात करें, कुछ जमीर भी इजाजत नहीं देता उन पर बात करने का। फायदा इसलिए नहीं है कि वो उन्होंने तो अब मैं इन बहनों को या माओ को क्या समझाऊं कि आपकी वो आवाज क्या सुनेगा। वो तो मुर्दों से कहता था कि तुम मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकते। जो इस दुनिया में शहीद नहीं थे, जो इस दुनिया से चले गए हुए थे, सिर्फ उनके जिस्म वहां पड़े हुए थे सड़क पर क्वेटा की, वो तो उनसे कह रहा था कि तुम मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकते। तो मेरी प्यारी माओ और बहनों, आप कैसे इस मुल्क के अमीरुल मोमिनीन को, इस रियासत मदीना के सरबराह को कैसे ब्लैकमेल कर रहे होगी? आज हो सकता है कल या परसों वो कह दे कि तुम मुझे वहां से क्वेटा से ब्लैकमेल करने आई हो, लेकिन मैं तुम लोगों से ब्लैकमेल नहीं होगा। हो सकता है उसका वजीर दाखला ये भी कह दे कि हमारे पास कुछ कुछ आंसू गैस के घोले पड़े हुए हैं जिनकी डेटें एक्सपायर हो गई हैं, हमें वो चेक करनी है। तो ये बैठी हुई माओ और बहनों पर हम उनको चेक कर लेते हैं, ये भी हो सकता है। तो इसलिए मेरी मेरे ख्याल में इस मुल्क के हर इंसान की जिम्मेदारी है, खास तौर पर मीडिया की, जो बहुत बेहिस हो चुका है। सेठों को अपनी नौकरियों के, सेठों को अपने पैसों की है, उनके नजदीक किसी की मौत, किसी का मरना, किसी पे जुल्म होना कोई अहमियत नहीं रखता। ये जो सेठ हैं, इनको सिर्फ नजर आता है तो पैसा आता है, इश्तिहार नजर आते हैं, एक टाइम नजर आता है। इनको हुकूमत की कोई भी ऐसी चीज नहीं दिखानी जिससे आका नाराज हो जाए। लेकिन लेकिन ये बात याद रखिएगा, ये बात याद रखिएगा, ये दिन खुदा ना करे, ये खुदा ना करे, ये दिन उस बड़े से बड़े एंकर पर भी आया है, मैं अब नाम नहीं लेता, लेकिन बड़े से बड़े एंकर पर भी आया है, लेकिन अवाम ने उन एंकरों के साथ खड़े हुए हैं। आज इन मजलूमों के साथ मरियम नवाज अगर खड़ी हुई है ना, तो जरूरत इस अमर की है कि पूरा मुल्क उनके साथ खड़ा हो जाए, उनके हक में आवाज बुलंद करे, उनको बताया जाए कि आपके प्यारे जिंदा हैं या नहीं है, अगर हैं तो कहाँ हैं, उनको हवाले किया जाए। यही उनकी फरमाइश है, यही वो चाहते हैं, यही उनकी तकलीफ है, यही उनका दुख है। मरियम नवाज के ने उनके दुख में शरीक होकर एक बार फिर साबित कर दिया कि आने वाले वक्त की बहुत बड़ी लीडर हैं, जिनको अपने अवाम का दुख और तकलीफ पता है। सबसे बड़ी बात है, मरियम नवाज सिक्योरिटी का ख्याल ना रखते हुए उनके साथ गले मिलना और उनके सर सर पे हाथ रखना और उनके साथ जमीन पर बैठ जाना, ये एक बहुत बड़ी बात है। हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात जल्द इन 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 बहनों और इन इन माओं के बिछड़े हुए जो इनके बेटे हैं, इनके भाई हैं, उनसे मिलाए और मरियम नवाज को भी इस्तकामत दे, हिम्मत दे कि वो इन गरीबों के साथ हमेशा खड़ी रहे। दोस्तों, बहुत ज़्यादा अल्फाज हैं, लेकिन मेरे ख्याल में इतना ही बहुत है। तकलीफ है, दुख है, बस आप भी दुआ करें अल्लाह ताला की ज़ात इन पर रहम फरमाए सख्त सर्दी में, और नालायक तरीन, नाअहल तरीन जो इस मुल्क पर हुक्मरान मुसल्लत है, उसको अकल दे कि वो इनकी दादरसी करे, इनकी आवाज़ सुने। बहुत शुक्रिया दोस्तों, अपना ख्याल रखें, अल्लाह ताला ज़ात आप अपने हिफ्ज़ अमान में रखें। खुदा हाफिज़।